अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम कराची टुडे और मैं हूं आपका मेज़बान बिलाल ख़ान। आज के प्रोग्राम के अंदर टॉप स्टोरीज शामिल करेंगे जिन पर आज आपको बताया जाएगा कि शहर भर में क्या कुछ होता रहा, कहीं पर कार्रवाइयां की गई, कहीं पर बेसुध साबित हुई। अगर बात कर ली जाए जराइम के हवाले से तो ना ज़मीन कांपती है ना आसमान फटता है और वाकया रोनुमा हो जाता है। एक चचा अपनी भतीजी को वहशत का निशाना बनाते हैं, दरिंदगी का निशाना बनाता है और इस सारे मामले को जो है वो अहले खाना ख़ुदकुशी का रंग देते हैं। जैकब लाइन में 12 साल बच्ची को चचा ने जब ज़्यादती का निशाना बनाया उसके बाद कत्ल कर दिया, लेकिन पुलिस ने बरवक्त कार्रवाई की है और गिरफ्तार भी कर लिया गया है। दूसरी तरफ अगर हम बात करें कि एक बहरान ख़त्म नहीं होता, दूसरा बहरान जन्म दे देता है। हमने आपको बताया था पोर्ट पर सोयाबीन और कैनोला बीज के हवाले से, और फिर उसके बाद हमने ये भी देखा कि अदरक लहसुन और प्याज के जो कंटेनर्स थे वो मसला था, लेकिन वो मसला हल हुआ, कंटेनर्स को जो है वो क्लियर कर दिया गया। लेकिन अब यहां पर अद्वियात का मसला है। कराची के अंदर अद्वियात संगीन जो है वो बहरान इख्तियार करने लगी हैं और फार्मास्यूटिकल के हवाले से अगर बात की जाए या मेडिसिन मार्केट के हवाले से बात की जाए, जो मेडिकल डिवाइसेस हैं, जो ट्रिप सेट्स होते हैं, कैनोलास होते हैं, सिरिंजेस होती हैं, इनके जो रॉ मटेरियल्स होते हैं वो भी लाने पर जो है वो एक मसला चलता दिखाई दे रहा है। इस मसले को कैसे हल किया जाएगा, ये चीज़ें हैं। और साथ साथ अगर बात की जाए, इस वक्त मौसम बदल रहा है और मौसमी तब्दीली के साथ साथ जो बीमारियां हैं वो जन्म ले रही हैं। डेंगू की बात कर ली जाए, मलेरिया की बात कर ली जाए, तो इन केसेस में इजाफा हो रहा है। कराची के अगर तमाम अजला को हम सामने रखें तो रवा साल 8752 मलेरिया के जो केसेस हैं वो रिपोर्ट हुए हैं और डेंगू के भी केसेस आज के जो है मुतअद्दिद थे। इन तमाम चीज़ों को आज डिस्कस किया जाएगा प्रोग्राम के अंदर। सबसे पहले जो बात करेंगे हम जो बच्चियों के साथ, कमसिन बच्चियां हैं उनके साथ ये दरिंदगी के वाकयात रोनुमा होते हैं और तशद्दुद किया जाता है, फिर उसके बाद कत्ल कर दिया जाता है। पहले भी एक वाकया हुआ था, लेकिन पहले आज के वाकये की मैं थोड़ी सी डिटेल आप लोगों के सामने रख दूं। जैकब लाइन में ब्रिगेड थाने की हदूद में एक घर से फंदे से झूलती हुई 12 साल बच्ची की लाश बरामद हुई, जिसको अहले खाना ने खुदकुशी का रंग देने की कोशिश की। पुलिस हुकाम ने लाश को जब्ते की कार्रवाई के मुताबिक जिना अस्पताल मुंतकिल किया। मेडिकल रिपोर्ट से बच्ची की जो बच्ची से ज्यादती की तस्दीक होती है और फिर उस पर उसके जिस्म पर तशद्दुद के निशानात भी मिले हैं। ये वाकया हुआ, लेकिन पुलिस सर्जन ने यह भी बताया कि बच्ची को ज्यादती के बाद गला घोट कर कत्ल किया गया है। और मैंने स्टार्टिंग में कहा कि घर वालों ने, जो अहले खाना है, उन्होंने खुदकुशी का रंग देने की कोशिश की। चचा मफरूर थे, पुलिस छापे मारती रही, पुलिस ने छापे मारे और फिर उसके बाद चचा को गिरफ्तार कर लिया गया, मुकदमा भी दर्ज किया गया है। दूसरी तरफ अगर मैं बात करूं, कुछ रोज कबल कायदाबाद के इलाके दाऊ चौरंगी के अतराफ में एक बच्ची की तशद्दुद ज़दा लाश थी कचरा कुंडी से, और कचरा कुंडी की अगर वजाहत कर दूं, पुलिस ने कहा था कि एक इमारत जेरे तामीर थी जो कचरा कुंडी की शक्ल इख्तियार कर चुकी थी, वहां से बच्ची की लाश मिली थी और उसके भी अब तक कातिलों का पता नहीं लगाया जा सका। फिर एक हफ्ते के बाद जो अहले इलाका हैं उन्होंने एहतजाज भी किया, सड़क को ब्लॉक भी किया, लेकिन अब तक कोई खातरखा कार्रवाई सामने नहीं आई है। इन तमाम चीज़ों पर बात करेंगे। ये वाकयात कमसिन बच्चियां हैं और फिर एक कैटेगरी है, लोअर मिडिल क्लास की बात कर ली जाए, मिडिल क्लास के फिर अपर क्लास की, तो इसमें लोअर मिडिल क्लास को और मिडिल क्लास को ज़्यादा टारगेट किया जा रहा है, या लोअर क्लास को भी जो है वो शामिल करेंगे कि उनको भी ज़्यादा टारगेट किया जा रहा है। क्यों किया जा रहा है इन बच्चियों को टारगेट? हमारे साथ इस वक्त समाजी रहनुमा ऑन कॉल मौजूद हैं, फरजाना बारी साहिबा। फरजाना साहिबा, बहुत शुक्रिया आपने प्रोग्राम के लिए वक्त दिया। सबसे पहला सवाल ये करना चाहूँगा, ये वाकयात जो अभी मैंने एक्सप्लेन किए, ये दो वाकयात हैं, पे दर पे वाकयात होते दिखाई दे रहे हैं, ऐसे हज़ारों की तादाद में वाकयात हैं जो रोनुमा हो रहे हैं, ये क्यों रोनुमा हो रहे हैं? देखिए, अनफॉर्चुनेटली हमारी सोसाइटी के अंदर दो चीज़ें हैं। एक तो ये है कि बहुत ही गैर सेहतमंदाना रुझानात जो हैं वो हमारी सोसाइटी में पैदा हो चुके हैं, और उसकी एक बहुत बड़ी वजह यही है कि ज़ाहिर है कि जिस समाज के अंदर जो है रूल ऑफ लॉ नहीं होता, जजा सजा का खौफ नहीं होता लोगों के दिलों में, और फिर ये है कि यहाँ पे जो है तालीम और तरबियत दोनों की कमी है, और इस सूरत के अंदर जो इंसान के ऐसे हैवानी जो जज्बात और है उसको आप अपनी रैशनल थिंकिंग के साथ उनको दबाने में लोग कामयाब नहीं होते हैं, और फिर वो इस तरह के वाकयात के अंदर जो है वो मुलव्वस हो जाते हैं। तो बुनियादी तौर पे ये जो वाकयात दिन ब दिन बढ़ रहे हैं वो एक तरह से एक हमारा सोशल, मैं समझती हूँ कि लेवल पे भी एक क्राइसिस, सोसाइटी के अंदर एक क्राइसिस है,
जिसके अंदर एक ऐसा माहौल बन चुका है जिसमें इस तरह की जो क्रिमिनल थिंकिंग है, जो इस तरह के रुझानात हैं, वो बहुत तेजी के साथ उसमें इजाफा हो रहा है। और उसके साथ जिस तरह मैंने कहा कि जब आपके आपके अंदर जो है वो जो एक इंसानी हकूक की जो एक एथिक्स होती हैं, वैल्यूज होती हैं, वो भी ना हो, और फिर आपके अंदर जो है वो कोई कानून का खौफ भी ना हो, और फिर आपको लगे कि मैं कुछ भी ये जो एक गलत काम कर रहा हूँ मैं ये कर लूँगा और मैं इससे बच भी निकलूँगा और मुझे इसकी कोई सज़ा नहीं होगी। तो मुझे लगता है कि मल्टीपल रीजन्स हैं जो जो जाहिर है कि वो जो है वो सोशल भी हैं, वो पॉलिटिकल भी हैं, और पूरा हमारे समाज के अंदर जो जनरल जो माहौल है वो मल्टीपल रीजंस हैं जिसकी वजह से हम ये देख रहे हैं कि इस तरह के जो क्राइम्स हैं स्पेशली बच्चियों के खिलाफ, छोटे बच्चों के खिलाफ, औरतों के खिलाफ, मार्जिनलाइज सेक्शन ऑफ सोसाइटी के खिलाफ, तो ये बहुत बढ़ रहे हैं। और आप देखें कि इसमें इन तमाम जो जराइम होते हैं उसके अंदर एक ताकत का, पावर का पहलू भी होता है। तो वो जो एक अनहेल्दी तरीके से आप पावर की असर्शन करते हैं और जिससे आपको एक तरह से आपको साइकोलॉजिकली यू नो एक मतलब एक सारे अगर आपका आप एक गैर एक सिक माइंड में आपकी माइंड है तो उसमें ये नफसियाती तौर पे मैं समझती हूँ कि ये फिर वो उस चीज़ की निशानी है कि नफसियाती तौर पे हम एक बीमार माशरा बनते जा रहे हैं। और ये अच्छा फरजाना साहब, अब ये थोड़ा सा एक चेंज आया है कि पहले तो ये वाकयात रिपोर्ट नहीं होते थे, अब ये रिपोर्ट भी हो रहे हैं। और एक नॉन स्ट्रेंजर की अगर बात की जाती थी कि क्राइम करके पहले बच जाएंगे, लेकिन अब जैसे अभी का अभी जो वाकया मैंने डिस्कस किया जैकब लाइन में, वो चाचा गिरफ्तार हो गया है, मुकदमा भी दर्ज हो गया है, तो ये एक टैबू खत्म हो गया कि पहले तो रिपोर्ट नहीं होते थे, अब रिपोर्ट भी होते हैं और डेटरेंस है ये जो मुजरिम है उनके लिए। मुझे ये लगता है कि मतलब रिपोर्टिंग के अलावा अगर आप सजाओं का अगर देखें तो आप देखें कि कितने केसेस हैं जो कि वैसे तो जाहिर है कि वो टिप ऑफ द आइसबर्ग होता है कि जो जितना हमारे यहाँ प्रॉब्लम है, जो केस सामने आते हैं वो तो आटे में नमक के बराबर होते हैं, लेकिन उसके अंदर भी देखें कि मुजरमों को सजाएं देने का जो रेशियो है वो बहुत कम है। ये बेशक गिरफ्तार हो गया है, मतलब इस तरह के केसेस में सवाए एक दो केसेस में जिसके अंदर लोगों को सजाएं हुई हैं, जैसे जैनब का केस था या एका दौर केस में, मगर आप देखें कि मेजॉरिटी ऑफ केसेस के अंदर यही होता है कि लोग कुछ सालों के बाद छूट जाते हैं। और ऐसे वाकयात में जिसने लोगों ने जराइम किए वो पहले उन्हीं जराइम के अंदर वो गिरफ्तार भी हुए, लेकिन वहां से फिर वो छूट गए और दोबारा उन्होंने वही क्राइम किया, जैसा कि फरिश्ता के केस में इस्लामाबाद का वाकया है कि जिस बंदे ने उसके साथ ये जुल्म किया वो पहले भी इसी तरह के जुल्म में पकड़ा गया था, और लेकिन फिर उसको छोड़ दिया गया और फिर उसने फरिश्ता के साथ ये ज्यादती भी की, फिर उस बच्ची को जो है वो बुरी तरह से उसको जान से भी मारा और उसके साथ ये सब। तो मैं ये समझती हूँ कि अभी ये जो आप बात करें कि ये जजा सजा का जो हमारा कानून है ये अभी भी बहुत बहुत मैं समझती हूँ कि स्लो है। अच्छा। और अभी ये कामयाब हम इस हद तक नहीं है कि लोगों के अंदर ये हो कि इस तरह के केसेस में हम फौरी तौर पे पकड़े जाएंगे। आमतौर पे ये जो बच्चों को मारने का रुझान है कि हम मार देंगे और हमें पता नहीं चलेगा, यू नो आमतौर पे यही हम देखते हैं कि जब बच्चों के साथ जिनसे जाति करते हैं तो फिर उन बच्चों को मार भी देते हैं, यू नो उनको होता है कि इसी हवाले से सवाल करना चाहिए, ये माइंडसेट क्या है, ये सोच क्या होती है कि बच्चों के साथ तशद्दुद किया जाता है, ज्यादा भी होती है, फिर कत्ल कर दिया जाता है। कह रही हूं ना कि ये एक जाहिर है कि ये एक बिल्कुल क्या इजी एक्सेस होता है इस वजह से नहीं। इजी एक्सेस तो हर इंसान को है, लेकिन सब लोग तो ये काम नहीं करते ना, लेकिन इसमें ये होता है कि जाहिर है कि ये आपका जो एक माइंडसेट है जिसके अंदर जो है वो एक मुजरमाना जहनियत है, और वो मुजरमाना जहनियत जाहिर है पाकिस्तान में खुदा ना खास्ता सारे लोगों की तो नहीं है ना, एक मिनोरिटी जो केसेस है, लेकिन हम ये देख रहे हैं कि वो जहनियत जो है वो दिन ब दिन उसका इजहार इस तरह के जराइम के अंदर हो रहा है, जो इस बात की निशानदेही कर रहा है कि समाज के अंदर ऐसे जहन रखने वाले लोग जो कि एक गैर सेहतमंदाना एक मुजरमाना जहनियत रखते हैं उस जहनियत में दिन ब दिन इजाफा हो रहा है, और उसकी वजूहत जो है जाहिर है वो हमारे समाजी जो समाज है उसके जो
तराजू है उसको देखने की जरूरत है ना कि वहां से ये चीजें जो है वो पैदा हो रही है। उसके अंदर जिस तरह कहा कि मल्टीपल फैक्टर्स हैं जिसके अंदर आपको अगर आपको ज्यादातर ऐसा कॉप नहीं है, आपके अंदर इंसानी जो कदर है, इंसानी हकूक है या एक इंसानियत वाली जो वैल्यूज है वो इंकल्केट नहीं हुई, आपके अंदर जो है वो एक रैशनल थिंकिंग नहीं है, तो इस तरह के लोग जो हैं वो फिर इस तरह के जराइम जो है उसका इर्तकाब करते हैं। तो ये जो सूरत हाल है, ये जो माहौल है जिसके अंदर इस तरह की जहनीत जो है वो पैदा होती है, अनफॉर्चुनेटली हमारे माशरे में वो माहौल बनता जा रहा है और उसमें इस तरह की जहनीत जो है वो तेजी के साथ पनप रही है और जिसका इजहार हम आए दिन इस तरह के जराइम की सूरत में देख रहे हैं। तो मैं ये समझती हूँ कि मल्टीपल लेवल के ऊपर इसको देखने की जरूरत है, इसको समझने की जरूरत है कि जो लोग इस तरह के क्राइम्स कर रहे हैं, स्पेशली बच्चों के साथ जो इतना जुल्म हो रहा है, उन महरुकात को फिर जो इसके ऊपर कोई रिसर्च अभी तक हम उस तरह से नहीं हमने की है कि जो इस तरह के मुजरिम हैं उनको उनकी जहनीत को समझा जाए, उसके पीछे जो उनकी मोटिवेशन और उसके उसको सामने रख के कोई लायमल तैयार किया जाए ताकि लोगों के अंदर जो है लोगों के इस हवाले से जो है उनकी कोई तालीम और तरबियत जो है वो हम कहीं ना कहीं तो नेग्लिजेंस हो ही जाती है, क्योंकि अगर मेहनत कश तबके की बात की जाए तो वो जरूरियात जिंदगी पूरी करने के लिए कहीं ना कहीं मसरूफ अमल होते हैं जिसकी वजह से नेग्लिजेंस हो जाती है। जो केसेस हैं, जो मेहनत कश तबका है, बच्चियां हैं घरों में काम करने जाती हैं, उनके साथ ये पैदर पे वाकयात हुए हैं, इनकी रोकथाम के लिए ठीक है मल्टीपल आपने कानून की बात की तो उसमें भी एक समझ में आने वाली बात है, वालिदैन के लिए क्या मैसेज है? देखिए बेसिकली तो ऑब्वियसली वालदैन की जिम्मेदारी है कि वो बच्चों को एक महफूज माहौल दें, लेकिन पूरे समाज की भी जिम्मेदारी है कि वो बच्चों को महफूज माहौल दें। अब जाहिर है कि जिस तरह आपने बात की कि मेजॉरिटी लोग तो वो हैं कि जो एक एक कमरे के अंदर अगर 10-10 लोग रह रहे हैं तो ये तो वो बच्चे जाहिर गली मोहल्लों में चले जाके खेलेंगे, कोई यहाँ पे खेल कूदने का खेलों का कोई लोगों के बच्चों के लिए कोई मैदान नहीं है, कोई जगह नहीं है, बच्चे इसी तरह गली मोहल्लों में जो है वो खेलते हैं और फिर इस तरह के जो मुजरमाना जहन रखने वाले लोग हैं उनका वो शिकार होते हैं बच्चों की। बहरहाल मैं समझती हूँ कि जो जिस तरह की सूरत हाल है उसमें माँ बाप के ऊपर अब ये और भी बड़ी जिम्मेदारी आयद होती है कि वो बहुत विजिलेंट हो। और आप देखें इस केस में जिसका आप जिक्र करें इसके अंदर चचा इन्वॉल्व है। आमतौर पर हम ये देखते हैं कि बच्चों के साथ जो सेक्सुअल अब्यूज होता है वो ज्यादातर वही लोग करते हैं जिनसे बच्चे फेमिलियर होते हैं, या वो उनके रिश्तेदार होते हैं या महल्लेदार होते हैं जिनके ऊपर बच्चे का एक ट्रस्ट होता है, फिर वो बच्चे को स्ट्रेस को यूज करके वो बच्चे को जो है वो अपनी तरफ लेकर आते हैं और फिर उसको अब्यूज करते हैं और उसके साथ ज्यादती करते हैं। तो ये माँ बाप को भी और मैं सबसे तलीमी अदारों में भी स्कूलों में भी इन चीज़ों के ऊपर बात होनी चाहिए, बच्चों के अंदर ये अवेयरनेस पैदा करने की जरूरत है कि किस तरह से उनको गुड टच बैड टच की समझ होनी चाहिए, कितना से लोगों से उनको दूर रहने की जरूरत है, अगर उनके साथ कोई इनिशियल फेज में अगर कोई बैड टच करता है तो उनको कैसे अपने माँ बाप के को जाके उसके बारे में बताना चाहिए, माँ बाप को बच्चों के साथ इन मौजूदात पे बात करनी चाहिए। और गली मोहल्ले में बच्चों को छोड़ने जो ये है वो आप वाली बात है कि अब मैं देखती हूँ कच्ची आबादियां हैं, वहां से आए माँ बाप दोनों सुबह काम के लिए निकल जाते, छोटे छोटे बच्चे पीछे घरों में पड़े हुए हैं, गली मोहल्लों में वो जा रहे हैं और लोग जो है फिर उसके इसी तरह के जो दरिंदे हैं वो उनके ऊपर हमला आवर होते। तो ये बहुत सारी मैं समझती हूँ कि समाजी जो है चैलेंजेस भी है कि अगर हमने अपने बच्चों को एक महफूज मुस्तकबिल देना है। देखें रियासत की क्या जिम्मेदारी है, अगर रियासत ने आर्टिकल 25A पास करके ये कहा कि हर बच्चा जो है 16 साल तक रियासत की जिम्मेदारी है कि बच्चे को स्कूल में होना है, लेकिन आप देख लें कि रियासत कहाँ अपनी जिम्मेदारी निभा रही है, आपके 25 मिलियन चिल्ड्रन जो स्कूलों से बाहर है वो इसी तरह गली मोहल्लों के अंदर जो है या काम की जगहों पे है या गली मोहल्लों में है और इसी तरह वो वल्नरेबल है, उनके साथ कुछ भी इस तरह की जातियां हो सकती हैं। तो ना सिर्फ माँ बाप की ऊपर भारी जिम्मेदारी होती है, मैं समझती हूँ पाकिस्तान की रियासत को भी ये जिम्मेदारी लेनी होगी कि बच्चे जो हमारा कल का मुस्तकबिल है हम अपने मुस्तकबिल को महफूज करने के लिए रियासती सतह के ऊपर हम क्या इकदाम उठा रहे हैं।
और जाहिर है कि इस तरह के जो वाकयात जब हो जाते हैं खुदाना खासा, तो उनके मुजरमों को कैफे के दांत तक पहुंचाने में हमारा जो जस्टिस सिस्टम है वो कितना जो है वो मुतहरिक है, कितना मुअसर है, और कितना वो लोगों को तक ये पैगाम पहुंचा सकता है कि अगर आप ये काम ऐसा जुर्म करेंगे तो आप कानून की गिरफ्त से बच नहीं सकेंगे। तो मैं समझती हूँ मल्टीपल लेवल पे जो है हमें काम करने की जरूरत है, और इस इन रुझान की जो है बेखुदी इसी तरह से ही हो सकती है। ठीक है, बहुत शुक्रिया फरजाना बारी, समाजी डायनामो हमारे साथ मौजूद थी। ऐसे वाकयात की रोकथाम के लिए कानून भी मौजूद है, उनको इम्प्लीमेंट भी किया जा रहा है, और आज जैसे जो वाकया हुआ, जो चचा था भतीजी को कत्ल किया, तशद्दुद किया, ज्यादती भी है, उसको गिरफ्तार कर लिया गया है ब्रिगेड थाने के अंदर, वालिद की मुदय्यत में ये मुकदमा दर्ज किया गया है। अब इन चीज़ों के लिए मज़ीद जो अवेयरनेस मैसेजेस होते हैं, अवेयरनेस पैगाम होते हैं, वो आगे बढ़ाने की ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरत है। वक्फा लेंगे, उसके बाद बात करेंगे डेंगू और मलेरिया मौसमी तब्दीली के साथ साथ फैलता चला जा रहा है, केसेस में भी इजाफा हुआ है, क्या आदाद शुमार है, वो तमाम चीज़ें डिस्कस करेंगे, आपको बताएंगे वक्फे के बाद।